नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजगढ़ अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। बांदीकुई अलवर रेल मार्ग स्थित दिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए, जिनमें 11 गोवंश की मौत हो गई है। स्टेशन मास्टर मोहनलाल मीना ने बताया कि दिगावड़ा रेलवे स्टेशन पर सुबह 12984 गरीब रथ ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक पर छोड़ दिया गया था, जिनमें 11 गोवंश की मौके पर ही मृत्यु हो गई व एक गोवंश गंभीर घायल हो गया, जिसकी सूचना बोरंगी धाम गौशाला को दी गई। बोरंगी गौशाला के गोरक्षक अजय पंडित ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना 7 बजे मिलती है। दिगावड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी है कि ट्रेन की चपेट में 12 गोवंश आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जिनमें एक गोवंश की गंभीर अवस्था पाई गई, जिसे राजगढ़ स्थित बोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया, जहां गंभीर घायल गोवंश का चिकित्सकों व गौशाला की टीम के द्वारा उपचार जारी है। आइए सुनते इस घटना को लेकर स्टेशन मास्टर का और गौरक्षक अजय पंडित का क्या कहना है। आज हमें सुबह 7 बजे दिगावड़ा स्टेशन मास्टर की सूचना मिली कि सुबह गरीब रथ जो ट्रेन आती है उससे 12 गायों की मौत हो चुकी है। एक गाय हमको मौके पे जिंदा मिली, जिसको हमने राजगढ़ बोरंगी धाम गौशाला भिजवाया है। वहाँ पे चिकित्सा टीम व गौशाला की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है राजगढ़ गौशाला में। ये बहुत ही दुखद घटना है कि किसी भी आदमी ने गायों को घेर के पटरी के ऊपर करा, जिससे गायों की मौत हुई है। एक साथ 12 गायों की आज संक्रांति के पावन पर्व पे 14 फरवरी मकर संक्रांति की पावन पर्व पे आज एक गाय एक साथ 12 गायों की ऑन स्पॉट मौत हुई है, और एक गाय जिंदा मिली है जिसकी पैर कट गया है हड्डी बाहर आने से। गाय को हम बचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे गाय को बचाने की। जो जिंदा गाय उसको कहाँ लेके गए हैं? उसको बोरंगी धाम गौशाला राजगढ़ लेके गए हैं। यहाँ से अभी टीम निकली है और राजगढ़ पहुँच रही है, चिकित्सा टीम पहुँच गई है राजगढ़ की। वहाँ पे आज दिगावड़ा स्टेशन पर सुबह टाइम करीब 5:30 बजे के लगभग गाड़ी थी 12984 गरीब रथ, जिसपे ट्रैक के ऊपर किसी आदमी के द्वारा गायों को घेर के दिया गया, जिससे 10 और 11 गायें की लगभग कट गई हैं और उनमें से एक जिंदा मिली है, बाकी मरी हुई मिली। आपने जिंदी गाय को कहाँ पहुँचा है? जिंदी गाय को मैंने गौशाला राजगढ़ के सूचना दी थी, वहाँ से आदमी भेजे थे करीब 6-7 आदमी, और वो आदमी जिंदा गाय को गौशाला राजगढ़ ले गए।